हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे गाइस एंड सेफ होंगे। तो आपको थंबनेल पढ़ के समझ आ ही गया होगा कि किस टॉपिक पे मैं आज बात करने वाली हूँ। तो गाइस, मैं बात करने वाली हूँ एक अच्छे फेस वॉश के बारे में जो ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट है, एंड आपको किस तरह से यूज़ करना है, क्या प्राइस है इसका। इस वीडियो में सारी चीज़ें आपके साथ क्लियर कर दूंगी मैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले गाइस। और गाइज, अगर आप इस तरह की वीडियोस चाहते हैं और आप किसी भी तरह का और रिव्यू चाहते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे रूपमंत्रा फेस वॉश की। आप देख सकते हैं मैंने इसको कितना ख़त्म कर दिया है यूज़ कर करके। एंड गाइज, मैंने रिव्यू के लिए इसको यूज़ किया था। और गाइज, मेरी जो स्किन है वो कॉम्बिनेशन है, ड्राई भी है और ऑयली ऑयली हो जाती है थोड़ा समा में, बाकी ड्राइनेस है मेरे फेस पर। और गाइज, जो मॉनसून होता है उसके अंदर तो कॉम्बिनेशन हो जाता है फेस काफ़ी ज़्यादा चिपचिपा। इस वीडियो में इसका रिव्यू देने वाली हूँ एंड ये कौन से स्किन टाइप वालों के लिए बेस्ट है, इसका प्राइस, इससे जुड़ी सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इसकी जो पैकेजिंग है बहुत अच्छी है, फेस वॉश है और रूपमंत्रा का फेस वॉश है। रूपमंत्रा की क्रीम भी मैंने यूज़ की है गाइज, अगर आप बोलेंगे तो मैं उसका रिव्यू भी आपको दूंगी। तो जो रिव्यू रूपमंत्रा का फेस वॉश है गाइज, इसमें काफ़ी सारे वैरायटी आती है। मतलब अभी जो ये कुकुम्बर का है, नीम में भी आपको आता है और हल्दी एलोवेरा में भी आप आई थिंक ये आता है। तो गाइज, इसकी जो पैकेजिंग है देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा बड़ी है, वो छोटी नहीं है, बड़ी है। और गाइज, इसका जो इसके अंदर जो आपको क्वालिटीज़ मिल जाती है वो है हेल्पफुल टू कंट्रोल ब्लैमिशेज एंड पिंपल्स, प्योरीफाइंग द स्किन। एंड गाइज, ये कुकुम्बर का है, कुकुम्बर इंग्रेडिएंट इसके अंदर मेन यूज़ किया गया है। तो मैं इसके बात करूँगी प्राइस की। प्राइस है इसका 98 रुपीज़, ओनली 98 रुपीज़ गाइज। अगर आप कोई अच्छा, कोई बेस्ट फेस वॉश अगर आप ऑफलाइन ढूंढ रहे हैं, ऑनलाइन में तो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, बट गाइज अगर आप ऑफलाइन कोई अच्छा फेस वॉश ढूंढ रहे हैं तो दिस इज़ बेस्ट फॉर यू। आप इसको बाय कर सकते हैं, आपको आसपास के किसी भी शॉप पे, किसी भी केमिस्ट की शॉप पे आराम से मिल जाएगा। तो बात करते हैं हम इसकी क्वालिटी की, मतलब ये कौन सी स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं। गाइज, इसका जो टेक्स्चर है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है। और सबसे अच्छी बात है कि मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगी यहाँ पे, आप अच्छे फेस वॉश की पहचान कैसे कर सकते हैं, मतलब आपकी स्किन टाइप के लिए। अगर गाइज आपकी स्किन ड्राई है तो आपको एक ऐसा फेस वॉश पिक करना है जिसमें गाइज, मतलब जो आप फेस वॉश करते हैं उसके बाद आपकी स्किन पे ड्राइनेस ना हो जाए बिल्कुल, जैसे क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश है ना, तो वो गाइज इतना ज़्यादा ड्राई कर देता है और ऑयल को कंट्रोल करता है बट इतना ज़्यादा भी ना करे जिससे कि आपकी स्किन जो है ना बिल्कुल ड्राई हो जाए और गाइज उसका नेचुरल ऑयल भी निकल जाए। अगर ऐसा होगा तो गाइज आपकी स्किन है ना जो बिल्कुल डैमेज हो जाएगी, आपकी स्किन पे ड्राइनेस के कारण ना ब्लैमिशेज हो जाएंगे और आपकी स्किन पे बहुत जल्दी रिंकल पड़ने के चांसेस है। तो गाइज अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ये फेस वॉश आपके लिए अच्छा है। और गाइज मैंने आप इसकी एक पहचान बताई थी कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको फेस वॉश लेना है जो आपकी स्किन पे बिल्कुल ड्राइनेस ना छोड़े, मतलब आपकी स्किन पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा झाग ना बनाए जिससे कि उसके अंदर केमिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और आपकी स्किन से सारा ऑयल निकाल देता है। तो ये जो फेस वॉश की खासियत है गाइज, इसके अगर आप इसको बहुत मिनी अमाउंट में भी लेते हैं और आपकी स्किन पर वॉश करते हैं तो आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा झाग भी नहीं बनते हैं और गाइज आपकी स्किन को बिल्कुल ड्राई नहीं करता, सबसे अच्छी बात है इस फेस वॉश की। तो तभी मैं इसको कह रही हूँ कि ये ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट है, ये ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट है एंड आप इसको यूज़ कर सकते हैं गाइज। आपको फेस वॉश सिर्फ डे में 2 टाइम्स यूज़ करना है, अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर रहते हैं तो अप डाउन ज़्यादा करते हैं तो आप 3 टाइम्स भी यूज़ कर सकते हैं फेस वॉश को। तो गाइज़ ये तो थी ड्राई स्किन वालों के लिए, बहुत अच्छा फेस वॉश है गाइज़। अगर आपने कभी यूज़ नहीं किया है तो इसको यूज़ कर लीजिए गाइज। इतनी बड़ी जो पैकेजिंग है इसकी गाइज, इतनी ज़्यादा चलती है ना मेरी मतलब ये 1.5 से 2 महीने पूरी चल जाती है, इतना सारा अमाउंट में मेरे को ये फेस वॉश मिलता है। मैं आपको बता दूँ कि कितना ग्राम फेस वॉश इसके अंदर मिलता है हमें, 115 ग्राम मिलता है, मतलब आपको 100 प्लस 15 ग्राम एक्स्ट्रा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, 115 ग्राम मिलता है आपको। तो गाइज 115 ग्राम फेस वॉश सोच सकते हैं आप कितना ज़्यादा अच्छा है। एंड गाइज
जो अदर ब्रांड के फेस वॉश होते हैं वो तो 50-50 ग्राम में आते हैं, बाकी इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं चलते हैं। बट गाइज ये जो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं सारे के सारे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन को फ्लॉलेस दिखाएंगे, और आपकी स्किन के अंदर अगर ब्लैकहेड वगैरह हैं या फिर किसी भी टाइप की ब्लैमिशेज है, पिंपल है, तो उसको भी आने से रोकेगा लिटरली। मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो गाइज मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट फेस वॉश यही है, ऑल टाइम फेवरेट है, मैं इसको एनी टाइम यूज़ करती हूँ। तो ड्राई स्किन वालों के लिए तो ये हो गया, लेकिन गाइज अगर आपकी स्किन ऑयली है, वैसे तो ये ऑल टाइम मतलब ऑल स्किन टाइप है, ऑल स्किन टाइप फेस वॉश है ये, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है। बट गाइज मैंने इसको इसलिए चूज़ किया क्योंकि गाइज बहुत सारे लोग ना ऑनलाइन नहीं खरीदते हैं चीज़ें, तो ऑफलाइन ही खरीदते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। गाइज ऑनलाइन में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं बट ऑफलाइन में इतने ऑप्शन नहीं होते, तो गाइज बहुत अच्छा फेस वॉश है। जॉय के फेस वॉशेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो गाइज क्लीन एंड क्लियर को तो यूज़ ही ना कीजिए, क्योंकि मैंने उसको यूज़ किया है, आपकी स्किन को एकदम ना डैमेज सा दिखाता है वो, और बहुत ज़्यादा ना आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, जिससे आपकी नेचुरल ऑयल भी निकल जाता है। तो अगर आप चाहते हैं ऑयली स्किन वालों के लिए, तो गाइज अगर आप DIY अगर आपके पास टाइम है DIY फेस वॉश बनाने का, तो ज़्यादा कुछ नहीं, आपको एक बेसन लेना है, बेसन के अंदर थोड़ी सी दही मिलानी है, उससे आप फेस वॉश कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी स्किन ब्राइटन अप तो होगी, साथ ही साथ आपका ऑयल निकल जाएगा, इससे जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है निकालने का बताया गया है फेस वॉश। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो गाइज ये आप खरीद लीजिए, बहुत अच्छा फेस वॉश है, ऑल टाइम इस ऑल टाइप स्किन के लिए है, तो गाइज बहुत अच्छा है, आप 2 टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका प्राइस मैंने आपको बताई दिया, 98 में मिल जाता है आपको। और गाइज इसकी रूपांतर क्रीम भी मैं लेकर के आने वाली हूँ आपके लिए, उसका रिव्यू भी मैं करूँगी, क्योंकि मैंने उसको काफ़ी टाइम पहले यूज़ किया था, तो बहुत अच्छी है गाइज। आयुर्वेदिक चीज़ें तो वैसे ही हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, केमिकल फ्री होती हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके सारे डाउट इसमें वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।